प्रदेश भर में कोरोना लॉकडाउन की स्थिति में जहां मजदूर तबका बेरोजगार हुआ है, ऐसे में मजदूरों पर आश्रित कामकाज भी बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कहा जाए तो कोरोना महामारी के बाद अब बेरोजगारी की समस्या लोगों का मुंह चिढ़ाती दिख रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले की, जहां मकान बनाना बहुत महंगा हो गया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में रेत का खनन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित होने से रेत व्यवसायियों के हालात खस्ता हो रहे हैं। वहीं मजदूर तबका भी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर दिख रहा है। मकान निर्माण करने वाले ठेकेदार और काम करने वाले मजदूरों की माने तो रेत उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके कामकाज बंद पड़े हैं। वहीं मीडिया से रूबरू लोगों ने यह भी बताया कि वे उधार पाव की ज़िंदगी जीने को विवश हैं। उधर खनिज विभाग अधिकारी की माने तो अगले 2 माह तक रेत खनन प्रतिबंधित है। बहरहाल कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में लोगों की कमाई पर भी लॉकडाउन लगा कर रख दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये आप भी मजदूर करने आते हैं, बाहर से आए हैं, क्या समस्या आ रही है? आपको काम मिल रहा है कि नहीं? सर, बाहर से मजदूरी करने आते हैं, निर्माण कार्य तो अभी कुछ चल नहीं रहा है। तो ठेकेदार बोल देता है कि अभी हमारे पास काम नहीं है तो तुमको कहाँ से देंगे, रेत गिट्टियों ढंग से आ नहीं रही है। तो जैसे क्या चला? अब देखो थोड़ा थोड़ा जैसे भी उधार पाव लेके काम चल रहा है अभी, तो आगे क्या होता है देखते हैं। क्या नाम है आपका? अजय। इनका ही कहना पड़ता है कि रॉयल्टी हो चुकी है लेकिन खजाना अभी तक चालू नहीं है, उनकी बात करें तो क्या इसकी वजह से जो परेशानियां बढ़ रही है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है? सारी खजाने एनजीटी के आदेश अनुसार मानसून सत्र में, जिस जिले मानसून सत्र आएगा उस तारीख से वो खदान बंद किया जाकर 30 सितंबर तक वो खदान प्रतिबंधित रहेगी। उत्खनन किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जाएगा। क्यों ऐसा किया गया? कि जो जल जीव जंतु है उनका ब्रीडिंग सीजन से रहता है, वो अंडे बच्चे देती हैं, उत्खनन में उनको प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्रतिबंधित करते हैं। 1 अक्टूबर तक खदान चालू हो जाएगी, जहाँ जहाँ परमिशन मिली है, सीआरसेक, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चालू हो जाएगा। अपने जिले के लिए नहीं सर, एमपी के लिए। आप ठेकेदार हैं, आपकी साइट चलेगी, बालू रेत को लेकर, काली रेत को लेकर क्या समस्या आ रही है? बहुत सब समस्या आ रही है। कपड़ा क्या है, डंपरों से रेत मिल रही, ट्रैक्टरों से रेत मिल नहीं रही। अब जहाँ ट्रायली जा सकती है वहाँ डंपर नहीं जा सकती। अब हम उसमें करें तो क्या करें, 15 रोज से हमारा काम बंद। काली रेत जहाँ 2500 मिलती थी वहाँ 3500 में मिलने लगे, तब मकान मालिक डलवाएगा कैसे दिया? तो सभी जगह काम बंद होंगे? काम बंद। कितने दिन से काम बंद है? 15 रोज से काम। समस्या क्यों आ रही है ये सब? रेत के कारण। मकान मालिक को बोलो, अब मकान मालिक बोलता है कि कहाँ से ला के दूर रेत, यार रेत मिली नहीं रही, मैं कैसे डलवा? आप बोलो, आप डलवा लो तो आप, हम भी कहाँ से डलवा? 3500 में जब बालू रेत 4,000 में डलती थी, वही काली रेत अब 3500 में मिलने लग गए, तो मकान मालिक डलवाएगा कैसे? ये समस्या क्यों हुई, कुछ पता करा होगा? पता अपन रेत के थी उन पर जाते हैं, वही बताते हैं कि अभी पकड़ धकड़ चल रही है। अब पकड़ धकड़ कौन कर रहा है ये तो अब उनको ही मालूम। क्या नाम आपका? सुनील यादव। भैया, ये बालू रेत को लेकर जो पुलिस की मुहिम चल रही है, खनिज अधिकारियों की मुहिम चल रही है, काली रेत को चल रही है, पूरी टोटल बंद हो गई है। अब जिनके काम चल रहे हैं, मकानों के काम चल रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत रेत चाहिए, जो डंफरों से नहीं डलवा सकते, उसके लिए क्या समस्या है सामने आ रही है? समस्या ये है कि बड़े काम वाले तो डंफर से बालू डलवा लेंगे, काली डलवा लेंगे, बाहर से जो भी माल आता है वो सब रॉयल्टी पे जाता है। पर कुछ लोग जो खरगोन में किए पे जो धंधा करते हैं वो पूरा डंफर बालू का बुलाते हैं, जिसका राज्य स्वर भी पूरा चुकाते हैं, और उसके बाद में वो डंफर से जो उसको टुकड़ों में हर घर घर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या ना बनी रहे, और उसके साथ में कई मजदूरों को रोज़गार भी मिलता है। पर अगर डंपर से अगर बालू लेते हैं तो हर आदमी की पोच से दूर है डंपर से बालू लेना। जिस व्यक्ति को एक तगारी बालू चाहिए वो एक तगारी से ही बालू ले जाता है, उसको समय पे तगारी से भी बालू उपलब्ध हो जाती है। पर अभी जो प्रशासन का जो रवैया है कि किसी भी प्रकार से आप स्टॉक करके माल नहीं बेच सकते, तो ये तो प्रशासन का एक प्रकार से आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा वो कह सकते कि समस्या है ये, और इसको समझाना और सुलझाना प्रशासन के ही हाथ में। भंडारण की कोई परमिशन नहीं है क्या? नहीं, भंडारण की कोई परमिशन नहीं मिलती, पर जो माल आता है वो रॉयल्टी पेट आता है और रॉयल्टी से ही आता है। बिना रॉयल्टी से चार जिले कूद के आता है तो बिना रॉयल्टी से माल नहीं आता। तो भंडारण के अभी तक तो कभी कोई समस्या नहीं, अभी क्यों समस्या आ रही है? अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई और आज तक भी नहीं आई, पर अचानक इतनी समस्या क्यों आ गई हमें भी समझ में नहीं आ रहा।
तो भंडारण की परमिशन कहाँ से हो सकती है? भंडारण की परमिशन तो ये खनिज अधिकारी या कलेक्टर साहब ही बता सकते हैं कि कहाँ से ले लेगी। अगर मिलती हो तो हम लेने को तैयार हैं। क्या नाम आपका? भोला राठौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।